अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में मैं अपनी मामा से बनाना सीख रही हूँ पोटैटो रोल समोसा। उसके लिए हमने एक प्याली लिया है मैदा, अजवाइन है हमारे पास हाफ टी स्पून, नमक है हमारे पास हंसपे जायका 1/4 टीस्पून, और ये क्या बेकिंग पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून, और साथ में हमारे पास है 2 चम्मच घी। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट मामा ने मैदे में ऐड कर दिए हैं। अजवाइन की एक अपनी खुशबू होती है कि बहुत जायकेदार लगती है। आप भी हर रेसिपी में इसको शेयर किया मतलब डाला करें, आपको भी मज़ेदार लगेगा, और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है। ये 2 चम्मच हम इसमें घी डाल दें, 2 टेबल स्पून। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये इस तरह की शेप में आ जाए तो फिर आप इसमें हल्का सा पानी डाल के आप इसे भूनना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे भून लीजिए, और भूनने के बाद आप इसे हाफ आंच के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, ये हमारी रोटी मैदा जो है ना वो भूनकर तैयार हो गया। अब बाकी की रेसिपी आप देखिए। तो दोस्तों अब हम इसे अच्छी तरह बेल लेंगे, बेल कर हम इसे गोल रोटी की शेप दे लेंगे। ठीक है, आप चम्मच की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, जैसे आपको ज़्यादा इजी लगता है ना, आप फीलिंग जो है ना उसी तरह से। आप चाहे तो उन्हें शाम की चाय के साथ लें, या फिर आप इन्हें रमज़ान में अफ्तारी के टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्नैक्स में। बच्चे इन्हें बड़ा शौक से खाते हैं, बच्चों के लिए बना सकते हैं। हमारे लिए ऐसे जैसे बच्चों को रोटी का रोल बना कर देते हैं ना हम, बिल्कुल हम इसे इसी तरह से राउंड शेप दे लेंगे। और फिर हम इसे तो ये देखें इस तरह से इनकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद हम इन्हें हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी शेप में तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम बाकी सबको भी राउंड शेप में करते रहेंगे, और फिर हाथ की मदद से इन्हें प्रेस कर लेंगे, और ये हमारा समोसा रोल बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। ये देखिए, ये इस तरह की शेप में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बाकी सबको भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे, हमारे ये बनकर बड़े अच्छे से तैयार हैं। इसी तरह से आप भी घर पर इजीली इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि आपको ये कैसी लगी। अब हम इन्हें सबको फ्राई कर लेते हैं, चाहे तो आप इसे अंडे की कोटिंग कर लें, और अगर आप नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, आप ना भी करें, लेकिन मैं इन्हें अंडे की कोटिंग के साथ ही डालती हूँ। तो चलते हैं फ्राई की साइड। तो देखिए दोस्तों, हमारे पोटैटो रोल समोसा जो है वो बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने फ्राई करके इन्हें प्लेट में सर्व कर दिया है। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, आप इन्हें किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इससे मेरी बहुत सारी होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।